विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शहर के जिला अस्पताल परिसर में एक दिवसीय विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी हाथरस ने फीता काटकर किया। मेले में पहुंचे मानसिक रूप से ग्रस्त मरीजों को जिलाधिकारी हाथरस और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मरीजों को प्रमाण पत्र वितरित किए। आपको बता दें, पूरे विश्व में हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाथरस स्वास्थ्य विभाग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को शहर में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के रूप में मना रहा है। 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाए जा रहे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय मेले का आयोजन हाथरस जिला अस्पताल परिसर में किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार ने फीता काटकर किया। वहीं मेले में पहुंचे मानसिक रूप से ग्रस्त मरीजों को जिलाधिकारी हाथरस व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने प्रमाण पत्र वितरित किए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इसका पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। चलते हुए एक्चुअल में क्या होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से जो बीमारियां होती हैं उनको तो देख लेता है, उनका इलाज करा लेता है, लेकिन मानसिक रूप से जो बीमारियां होती है जैसे चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है या इस टाइप की जो चीज़ें होती है उनका इलाज नहीं करा पाते, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे हमने ये आयोजन कराया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही है, जैसे आयुष्मान भारत है या बाल विकास पुरस्कार की जो भी योजनाएं चल रही है या परिवार नियोजन है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी है। संचारी रोग जो नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाता है उनके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।